गुड मॉर्निंग बच्चों, फोर्थ क्लास में मैथ्स में अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फोर बेसिक ऑपरेशंस, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वाले चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस टाइप से दिए गए हैं, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं अपनी बुक में। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वही रूल्स आप इस चैप्टर में सीखेंगे और इस इन रूल को सॉल्व कैसे करते हैं, इन रूल्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जानने के लिए आपको अपनी नोटबुक में कुछ रूल्स हैं वो नोट करने होंगे। ये आपको दिए गए हैं, ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और इन क्वेश्चन इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये इस तरह से ही आपको डालना है अपना जो चैप्टर का नेम है, फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में। इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो हैं वो डीमास के रूल से सॉल्व होते हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में आप बोर्ड मास सीखेंगे, अभी आपको डीमास के रूल तक ही लिमिट है आपके सिलेबस की। तो डीमास में देखिए, हमने डीमास की स्पेलिंग लिखी, तो डीमास की स्पेलिंग क्या है, DMAS। अभी इसको ही हम अगर एक्सप्लेन करें तो डी रिप्रेजेंट करता है डीमास में डिवीज़न, एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन, ए रिप्रेजेंट करता है एडिशन एंड एस रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन। तो ये जो हैं ये आपके चार जो हैं डीमास के रूल हैं, इनको याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। डी अगर हम डी रिप्रेजेंट करेगा डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन, और ये इसी को सीक्वेंस में ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। इसके अलावा आप कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते हैं इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ रूल्स और होते हैं प्लस माइनस के, जो से रूल हैं ये, तो प्लस माइनस के जो रूल हैं, प्लस का साइन आप जानते हैं, प्लस का साइन इसको पॉजिटिव साइन भी साइन कहते हैं, इसको नेगेटिव साइन कहते हैं, माइनस के साइन को क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन। तो इनके भी कुछ रूल होते हैं, वो भी आपको इन क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो इनको समझने के लिए आपको पहले इसके कुछ रूल हैं वो नोट करने होंगे अपनी नोटबुक में। तो जब भी हमारे पास टू लाइक साइंस हों, यानी कि दो एक जैसे साइन हों, तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाते हैं। अगर मेरे पास दो माइनस के भी साइन हैं और मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उन नंबर्स को प्लस कर दूँगी, और इसमें जो आपके साइन देखे जाते हैं वो किसी भी नंबर के आगे वाले साइन देखे जाते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें थ्री प्लस का है या माइनस का है, तो थ्री इसमें प्लस का है, इसके आगे वाला साइन देखा जाएगा। अगर हम ये कहें ये टू प्लस का है या माइनस का है, तो इसके टू के आगे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये जो टू है ये माइनस का टू है। तो आगे वाले साइन से हमें मतलब होता है, आगे वाले साइन को हमेशा देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये नंबर जो है किस साइन का है। तो इस तरह से इसके रूल होते हैं। और जब भी दो एक जैसे साइन हों, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, फोर और थ्री के आगे दोनों प्लस प्लस के साइन हैं, तो फोर और थ्री जो होंगे वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएंगे ये दोनों साइन, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब दो एक जैसे साइन हों तो हमेशा वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं। जब अलग अलग एक जैसे दो सॉरी अलग अलग दो साइन हों तो हमेशा नेगेटिव में वो चेंज हो जाते हैं, जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस। तो ये हमेशा अलग अलग तरह के साइन होंगे ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये रूल जो हैं थोड़े से समझने हैं। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा नया है आपके लिए, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एग्जांपल भी आपको जो है अपनी नोटबुक में नोट करना है। सेम ऐसे ही पूरे पेज जो हमने नोट किया है ऐसे ही आपको नोट करना है, एग्जाम्पल भी रूल्स भी सब कुछ ऐसे ही। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इसी को आज मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। अगर हमको मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको डिवाइड वगैरह करने में, लेकिन कौन सा ऑपरेशन पहले करें ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या दिया है, हमें प्लस के साइन दिए हैं, माइनस दिया है, डिवाइड दिया है। तो डीमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या आता है, डी। तो डी से क्या होता है, डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि हमें सबसे पहले डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व करना है। अब टू को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, वन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको, ये हमने सॉल्व कर लिया पीछे वाला ये जो पोर्शन था इसको सॉल्व कर लिया, तो ये वन कर लिया।
सेम हम क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, वैसे ही हमने पहले जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 + 3 + 4 एज इट इज़ नोट कर लिया, बाकी यहाँ जो था वहाँ माइनस 1 लिख दिया, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें जो करना है नेक्स्ट, अब हमें देखना है मल्टीप्लाई आता है डिमास के रूल में, तो मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में हमें कहीं दिया नहीं गया है तो हम उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या आता है, एडिशन करना होता है, तो एडिशन जो हमें दिया गया है हम उसको प्लस कर लेते हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब हमारे पास जो बचा है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का 1 बचा है अभी हमारे पास, माइनस का 1 हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन, तो अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो 8 निकल कर आ गया। तो इस तरह से इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। अभी आप इतना ही करिएगा, इनको नोट करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन अभी कोई नहीं करना है, जब हम कराएंगे तभी आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर एक दो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो रफ कॉपी में करके देखिएगा, एग्जांपल्स करिएगा पहले, अगर आप चाहें तो एग्जांपल नंबर 1, 2 और पेज नंबर 78 पर, और एग्जांपल नंबर 1, 2 पेज नंबर 79 पर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए तो। अगर वैसे मैं आप लोगों को कराऊँगी तब आप हमारे साथ ही उन क्वेश्चंस को करिए, तब आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, तो ऐसा ना हो कहीं आप जल्दबाजी में इसको समझ ना पाएँ और आगे क्लासेस में भी आपको नीड पड़ेगी इस क्वेश्चन की। तो अभी आप इसको नोट करिए, इतने तक समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लासेस में पूछिएगा हमसे, इतना नोट कर लीजिएगा, यही आज आपका होमवर्क है, तो इस पेज को नोट करना है। कुछ क्वेश्चन अगर कर सकते हैं तो किसी रफ नोटबुक में नोट करने करके सॉल्व करके देखिएगा अगर आप कर सकते हैं, नहीं है नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी नोट करिए इतने तक ही, आगे के क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे यही चैप्टर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको जो पहले वीडियो भेजी थी उसमें डीमास के रूल बताए थे आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं डीमास के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपने नोटबुक में भी अपने नोट कर लिए होंगे जो भी उसके रूल्स थे और जो भी उसके मैंने आपको समझाया था जितना भी वर्क, और नोट करने के लिए भी बताया था। तो आज हम 20 एक्सरसाइज है सिंप्लीफिकेशन की वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल्स जो हैं वो नोट कर लेती हूँ। तो पहले एग्जांपल्स हमसे के थ्रू हम समझेंगे इन क्वेश्चंस को, तब फिर स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। देखिए आपका जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं पेज नंबर 79 पर, पेज नंबर 79 का है ये, आपकी ही बुक का पेज नंबर 79 है, तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ साथ आप लोग देख सकते हैं बुक में। तो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, वो आपको दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन है 54 / 9 / 5 -24 + 7 + 4 तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले डीमास का रूल क्या बोलता है, डीमास का रूल बोलता है कि सबसे पहले आता है डी यानी कि डिवाइड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने पहले पूरा क्वेश्चन जो है नोट किया है एक बार, उसके बाद क्या किया है कि 54 को 9 से डिवाइड करना है। कहाँ पर इसमें डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये हमें यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, 54 को पहले हमने 9 से डिवाइड किया, अगर हम 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6 आता है, तो हमने 6 जो है हमारा आया, तो हमने इसका मतलब कि हमने डिवाइड सॉल्व कर लिया। तो अब ये हमारा 54 डिवाइड का जो टर्म था उसको हटाकर हम यहाँ पर 6 नोट कर देंगे और पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लेंगे। देखो ये नोट कर लिया ना, मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड हो गया, इसको सॉल्व कर लिया, इसकी जगह पर हमने 6 नोट कर लिया, और नेक्स्ट जो है हमने 5 - 24 + 7 - 4 ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ये एक आपका हो गया, एक जो है एक टर्म जो थी वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट अब हम आएंगे, अब हमारा रूल क्या कहता है कि नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो जिसमें जहाँ पर भी मल्टीप्लाई है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर
फाइव का सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 ये वन बाई वन नोट सॉल्व करेंगे हर टर्म को, तो फाइव और सिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, तो उसके बाद हम नोट कर देंगे बाकी का क्वेश्चन जो हमारा बचा, जैसे साइन है वैसे ही साइन पुट कर देंगे, माइनस का 24 प्लस 7 माइनस 4 ये सब हो गया। नेक्स्ट अब हमारा रूल क्या कहता है कि हमें क्या करना होता है डिवाइड के बाद, मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या करना है, अब हमारा आ जाता है एडिशन, ठीक है। तो अब हम एडिशन करेंगे, अब एडिशन करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एडिशन जब आप करेंगे ना तो इस वाले टर्म में ये देखेंगे पूरा जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है कि इसमें प्लस प्लस के साइन वाले कौन कौन से नंबर हैं। तो देखो सबसे पहले सारे ही नंबर्स को आपको देखना पड़ेगा कि किस नंबर में कौन सा साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आता है 30, 30 के आगे कोई साइन नहीं है, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, जिस नंबर के आगे जैसे ये 30 है और 30 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसके आगे हम हमेशा प्लस मानेंगे, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं हो उसके सामने हमेशा प्लस माना जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये प्लस का है, उसके बाद 24 तो माइनस का है, उसके बाद 7 प्लस का है एंड उसके बाद 4 जो है वो माइनस का है। तो अब हम प्लस प्लस वाले नंबर्स एक साइड रख लेंगे और माइनस माइनस वाले नंबर एक साइड रख लेंगे, तब उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पहले प्लस सॉल्व करना है, एडिशन करना है पहले। तो हमारा क्या क्या प्लस का है, 30 हमारा प्लस का है और हमारा क्या प्लस का है, 7 प्लस का है, फिर हमारा माइनस का 24 है और माइनस का 4 है। तो हमने प्लस प्लस वाले एक तरफ नोट कर लिए और माइनस माइनस वाले क्वेश्चन जो नंबर्स थे वो एक तरफ नोट कर लिए। तो अब हमारे ये देखिए इस टर्म में यही किया गया है, अब हम इन्हें सॉल्व कर देंगे, 30 और 7 को प्लस करेंगे तो 37। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो माइनस का मैंने यही बताया था आपको साइन के बारे में कि ये माइनस का 24 है और ये माइनस का 4 है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं जब दो एक जैसे जब दो लाइक साइन हो हमारे पास, लाइक साइंस हो, जब एक जैसे दो साइन हो तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें, एक सेकेंड रुकिए, अगर हम ये देखें माइनस का 24 और माइनस का 4, ये हमें प्लस माइनस में करने हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए 24 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। यही तो आपको बताया गया था रूल में, यही बताया था ना कि दो एक जैसे साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस के साइन में चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों एक जैसे साइन है दोनों नंबर्स के आगे, तो हमारा क्या हो गया, ये 24 और 4 जो है वो प्लस हो जाएगा 28, तो हमारे ये 28 आएगा, ठीक है। 28 क्या आ गया हमारा, 24 और 4 को सॉल्व करके हमारा 28 आ गया। अब ये 37 था, अब इधर हमारा सॉल्व करके आया 37 और माइनस का क्या आया हमारे पास 28, माइनस का साइन आपका बीच में इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पर पुट किया है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, जिसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम माइनस प्लस का मानेंगे और जिसके आगे साइन है वो तो है ही, तो इसमें 28 में तो आपको माइनस का साइन दिया गया है, 37 आपका प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, जब अलग अलग तरह के दो साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि माइनस के साइन में चेंज हो जाते हैं। अब ये माइनस के साइन में चेंज हो गए तो अब आप इनको माइनस कर दीजिएगा 37 में से, और 28 जो है वो माइनस कर दीजिए, 28 37 में से माइनस करेंगे तो 9 जो है आपका बचेगा, तो 9 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास सॉल्व करने के लिए नहीं है कुछ भी, तो आपने वन बाय वन, आपको ये ध्यान रखना है कि वन बाय वन टर्म जो है वो सॉल्व करनी है, एक एक बार। पहले अपने माइंड में डिमास का रूल रखिए कि डिमास का रूल में सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, अगर ऐसा हो सकता है डिवाइड दिया ही नहीं है तो डिवाइड को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं दिया मल्टीप्लाई को छोड़ दीजिए, जो आपको साइन नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए, बाकी फिर सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर हमने प्लस माइनस सॉल्व करे, जो भी हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए मैं जो उनके साइंस होते हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई वो प्लस का है वो माइनस का है तो क्या चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से है, तो अब इसको हो सकता है आप लोगों को अभी थोड़ा सा ये नया लग रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, आप अपने आप से करके देखिएगा, नोट करिएगा और फिर करिएगा। अब नेक्स्ट जो आपका आपकी जो बुक आपकी बुक एक्सरसाइज है 20 नंबर जो बुक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों को
वन अपना कौन कौन से क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू ये है, यहाँ पे हमने किया हुआ है इसको। अब हमने कैसे किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी नोटबुक में, करिएगा अपने आप से करिएगा, वैसे तो बाद में मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या, कुछ भी माइंड में मत रखिए, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 288 को 6 से डिवाइड करेंगे, 288 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। कैसे 48 आएगा, ये डिवाइड करना तो आप जानते हैं, 6 4 जा 24, 4 हमारा रिमाइंडर बचा, 8 हमारा नोट कर लिया हमने नेक्स्ट नंबर, तो 8 उसके बाद 6 8 जा 48, ये 48 हो गया, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, ये डिवाइड करके देख लेना आप अपने नोटबुक में, इसमें डिवाइड करना तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जो हमने नेक्स्ट करा, ये हमारा एक टर्म सॉल्व हो गया, डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया, पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, 84 को हमने नोट कर लिया नेक्स्ट टर्म, ये नोट हो गया। फिर दोबारा से पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लिया। अब प्लस माइनस पे आ गए, अब प्लस माइनस में हमें क्या करना है, सारे प्लस वाले जो नंबर्स हैं वो एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। प्लस वाले नंबर कौन से हैं, इसमें फर्स्ट नंबर जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का होता है, और 84 जो है वो प्लस का है, आगे वाला साइन देखना होता है किसी भी नंबर के आगे, तो 84 के आगे प्लस का साइन है। अब ये इधर आ गए, ये प्लस प्लस हो गए, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ये भी प्लस का साइन है और ये प्लस का नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब माइनस का सिंगल ही नंबर है, कोई और नंबर है ही नहीं, तो माइनस का जो नंबर है उसको यहाँ पर मैंशन नोट कर देंगे। अब नोट कर दिया तो अब ये क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस करेंगे तो हमारा 52 जो है वो आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर हमने डिवाइड सॉल्व किया, एक सेकंड, यहाँ पर हमने डिवाइड सॉल्व किया, यहाँ मल्टीप्लाई सॉल्व किया, यहाँ प्लस माइनस सॉल्व किया, सॉरी एडिशन सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया। वही रूल चल रहा है दिमाग का, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर टू है ये आपकी नोटबुक, आपकी बुक एक्सरसाइज का। इसके बाद अब आपको कौन से क्वेश्चन अपने आप से कोशिश करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आए तब भी आप करें, आप बता दीजिएगा ग्रुप पर कि हमें नहीं समझ में आया, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे या ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर वन करिए, क्वेश्चन नंबर वन आपको करना है, टू मैंने आपको नोट कराया है, कोशिश करिएगा अपने आप करें। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको दोबारा से समझा देंगे, अगर नहीं होता है तो हमारे में से एक बार देख सकते हैं कि कैसे हमने कराया। और क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, टू तो हमने नोट करा ही दिया है आपको, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फाइव कोशिश कर लीजिएगा, अगर आप फाइव कर सकते हैं तो। बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, फाइव तक ही करिए अभी, नेक्स्ट जो होगी क्लास, और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस की, तो आप रफ़ नोटबुक में नोट करिएगा, फेयर नोटबुक में आपको 1 2 3 और जो है फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, इनको करिए, आगे की प्रैक्टिस आपको हम कराते रहेंगे, आराम से करिए, आपके लिए नई चीज़ है। समझ में नहीं आता है ग्रुप पे आप नोट डाल सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा से समझा के देंगे ऑनलाइन क्लास लेकर आपकी। ओके बच्चों, थैंक यू।